सबसे पहला कार्ड ससुराल में दे आती हूँ। रवि दो पर्दे और लगा दो और ऐसे दो चार और लगा दो, अभी ना बहुत खाली रहता है। और पतंगे भी ले आओ अभी। हाय आ गई तुम? हाँ अब तूने बुलाया है तो आना ही पड़ेगा ना, वरना अपने एक्स की शादी में कौन ही आता है। अबे ओ आशिक, ये बता डेकोरेशन कैसी लग रही है हल्दी के लिए? अच्छी है ना? अच्छी है। वैसे तूने बुलाया क्यों था? या शादी के कार्ड बांट? ओह ये जीतू आई है, मेरे सूरत से शादी करेगी, अब भी मजा चखाती हूँ। मजा आया। अरे तुम चुप रहो। आंटी आपने कहाँ से पसंद कर लिया इसे? क्या मैंने ना मम्मी को कहा था कम से कम हमारी कास्ट की तो होनी चाहिए थी? पाल सुन जरा, स्मेल भी आती है। आंटी आपने इसके लुक्स नहीं देखे थे क्या? शक्ल से गरीब लगती है। अरे बेटा क्या बताऊं, पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया इस लड़की ने मेरे बेटे पे। काली कलूटी बैगन लूटी। हाँ वरना मुझ जैसी हॉट लड़की को छोड़ के इससे कौन शादी करता। और मेरी मम्मी इस जैसे खानदान वाली से मेरे भाई की शादी करा रही है, मतलब जहाँ पे मैं अपनी बिचेस के। ओह माय गॉड यार, मुझे ना बोलते हुए भी शर्म आ रही है। दूसरों के खानदान को नीच बोलती हो? कभी खुद की बातें सुनी है? कोई इंसान अपनी शक्ल से नहीं खुद की बातों से नीच बनता है, उसकी खुद की बातें बनाती है। और हाँ औकात की बात करती हो ना, औकात है तो आओ पुत्रों मेरे साथ ब्यूटी बैटल में। और तुम सुनो, वजह पूछोगे तो सारी उम्र गुजर जाएगी। कहाँ ना अच्छे लगते हो तो लगते हो। देखते हैं किसमें कितना है दम। तो आप वीडियो को लाइक कर दो और हम बैटल शुरू करते हैं। तो इस ब्यूटी बैटल में होने वाला है घमासान युद्ध। जीतू करने वाली है हल्दी लुक, भारती करने वाली है मेहंदी लुक और हमारी प्रियंका करेगी कॉकटेल लुक। अब चैलेंज तो एक्सेप्ट कर ही लिया है, तो चलो इन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं अपने मेकअप से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंसीलर से अपने बेस को प्रेप कर लिया है ताकि मेरा आई मेकअप एकदम स्मूथ हो। अब इस पैलेट से न्यूड कलर लेकर पूरे क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लो। अब ट्रांजिशन के लिए मैंने थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लिया है और ठीक न्यूड कलर के नीचे प्लेस करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब हाफ कट क्रीज करके येलो आई शेडोज पे प्लेस कर दो। मेरा लुक यहाँ पे हल्दी का है इसलिए मैंने येलो कलर यूज किया है। अगर आपको दूसरे किसी फंक्शन में यूज करना है तो आप अपने ड्रेस के मैचिंग का कलर भी यूज कर सकते हो। अब येलो के एंड्स को ब्लेंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑरेंज आई शेडो लिया है और एंड्स पे इस तरह से हल्का हल्का ब्लेंड कर लिया है। मैंने इस आई लुक को एक लेवल और ऊपर किया है इस तरह से आई ग्लिटर लगा के। आप चाहो तो आई मेकअप को वहीं पे स्टॉप कर सकते हो, ये एज इट इज भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने जादू से दूसरा आई मेकअप भी कर लिया है। आप ये स्टंट घर पे परफॉर्म मत करना क्योंकि ये मैंने अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन किया है। मेरी बातों पे मत जाना, मैंने ये मेकअप ना बैक कैमरा कर लिया था, जादू तो सिर्फ आपके लिए है। जादू से याद आया कि मेरे अब डार्क सर्कल्स तो जादू से गायब होंगे नहीं, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज कर लिया है। बस अब फाउंडेशन के डॉट्स बना उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो और कंसील करके उसे भी ब्लेंड कर लो। और आपको पता है ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प यूज करना चाहिए, इससे प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड होता है। और नेक एरिया पे मेकअप करना कभी मत भूलना क्योंकि फेस और नेक अलग दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना।
बेस मेकअप तो हो गया है हमारा, अब बारी है पाउडर की। और फिर अपने गोल मटोल गालों को अच्छे से कंटूर कर लो ताकि आप एकदम पतले लगो और आपके कंटूर से कोई भी घायल हो जाए। और फिर लगाओ लाली और सेटिंग स्प्रे लगाकर उसके ऊपर हाइलाइटर लगा लो। हाइलाइटर से पहले हमने स्प्रे कर लिया है क्योंकि अगर आप स्प्रे के ऊपर हाइलाइटर लगाओगे तो वो ज्यादा देर तक टिकेगा और चमकेगा भी ज्यादा। आपने देखा होगा कि ऐसे टाइम पे लड़कियां रोती बहुत ज्यादा है जिससे कि उनका मेकअप खराब हो जाता है, तो आप कोशिश करो कि लाइनर, काजल, मस्कारा आप जो भी लगाओ वो वाटरप्रूफ हो। इससे होगा ये कि अगर आप रोते भी हो तो आपका मेकअप खराब नहीं होगा या आपका काजल, लाइनर, मस्कारा बहेगा नहीं। आप चाहो तो इन प्रोडक्ट्स को भी आप यूज कर सकते हो जो मैं यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट हो गया है विद अ सिंपल चोकर, वॉल्यूमिनस हेयर और पेस्टल लहंगा। आप भी इस लुक को बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये था मेरा हल्दी लुक। ओहो, हमारे जलवे देख के ये भी आ गई है अपना मेहंदी लुक लेकर के। हाँ, तो उसके भाई की शादी है, वो रेडी नहीं होगी क्या? हाँ, तो मैं कह रही थी कि भारती ने भी अपना आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। हाँ, तो कॉपी करने में इसने कौन सी कमी छोड़ी है? कॉपी नहीं किया है उसने, मेकअप करते ही ऐसे है, तुम्हें पता ना हो तो। मुझे सब पता है, तुम दोनों के दिल काले ना, इसलिए काला काला मेकअप कर रही हो। ओह, उसे स्मोकी आई कहते हैं। अब इन दोनों ने इतनी बकवास कर ही ली है तो मैं अपना आई मेकअप बता देती हूँ कि मैं क्या कर। मैंने बस जेल लाइनर को अपने लिड पर भर के अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं इनर कॉर्नर से लेकर लिड तक ग्लिटर पेस्ट करूंगी और ग्लिटर इतना अच्छा पेस्ट हुआ है ना, वो भी बिना कंसीलर के। पता है किस लिए? क्योंकि बैकग्राउंड में काजल लगा हुआ है और लिड पर हल्का सा स्पार्कल ऐड कर लो। ये स्मोकी टाइप मेकअप की एक खास बात होती है कि ये सिर्फ अच्छे ही नहीं लगते, ये बहुत देर तक भी टिकते हैं। तो जब भी आपको किसी शादी पार्टी में जाना हो तो ये लुक जरूर ट्राई करना। तो आई मेकअप हो गया है डन, तो जैसे जीतू ने अपना फेस मेकअप किया था वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए मैं भी अपना फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा यूज किया, मेरा ये बड़ा सा पिंपल हो गया था तो मुझे ग्रीन कैरेक्टर यूज करना पड़ा ताकि मेरा पिंपल छुप जाए। पिंपल छुप गया तो चलो फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर, पाउडर, हाइलाइटर, लिपस्टिक, मतलब जो भी सामान होता ना वो सब लगा लो। लिपस्टिक में भी थोड़ा सा चेंज है, मैंने लिपस्टिक न्यूडिश पिंक रखी है, पता नहीं मुझे न्यूड इतना पसंद क्यों आता है। तो आउटफिट मेरा स्ट्रैप वाला था इसलिए मैंने अपने बालों को आउटवर्ड कर्ल किया ताकि जो मेरा आउटफिट है वो थोड़ा सा भरा हुआ लगे। तो ये था मेरा मेहंदी लुक। उसने तो अपने जलवे दिखा दिए, अब मैं दिखाती हूँ अपना काला जादू। तो हमेशा की तरह कंसीलर को लिड पे लगाओ और ब्लेंड कर लो। जैसे कभी मैंने सूरज को सेट किया था वैसे ही आप बेस सेट कर लो। मैंने लिया है जेल लाइनर। जेल लाइनर को मैंने आईलिड पे प्लेस करके ब्लेंड कर दिया है। और हाँ, जेल लाइनर को ना जल्दी से ब्लेंड करना है क्योंकि एक बार जेल लाइनर सूख गया ना तो वो ब्लेंड नहीं होगा। काला ही मेकअप करेगी ना, काले दिल वाली जो है। जल मत मेरे से जल कुकड़ी। हमारी हंसी पे मत जाना, सच बता रही हूँ, जल रही है मेरे से। अब आईब्रो को फिल कर लेंगे और जादू से दूसरा आई मेकअप भी कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं सूरज को अपने वश में करने वाली हूँ। अच्छा, काला जादू करती हो तुम? अरे नहीं, मेरी पोल खुल गई। पोल क्या खुली है, तुम्हारे मेकअप से ही पता चल रहा है। आप लोग देख रहे हो ना, बेस मेकअप के सारे स्टेप्स वही रिपीट हुए हैं जो मैंने किए हैं। तो आप लोग भी सेम स्टेप्स फॉलो करके यही मेकअप लुक अचीव कर सकते हो। अरे रुको रुको, पूरा कॉपी नहीं किया है। यहाँ पे मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाई है और ऊपर से ग्लॉस लगा लिया है। तो अपना कॉकटेल लुक कंप्लीट करने के लिए मैंने पहनी है ये ब्लैक स्लिट ड्रेस, ये आपको अमेज़न पे आराम से मिल जाएगी। और हेयर स्टाइल रखा है बिल्कुल शीक, जिससे मेरा कॉकटेल लुक लग रहा है और भी ज्यादा बोल्ड। हे गाइस, तो ये था वेडिंग सीरीज का पार्ट 1, स्टे ट्यून्ड क्योंकि आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं। और शादी फंक्शंस में ना हमारे लुक को लेकर के बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, पर आपको उन पे ध्यान नहीं देना और जो मन करे वो लुक करना है। तो आप कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा लुक किसका लगा, एक्स का या लड़का का, बहन का, मेरा। यार कमेंट करो, लाइक।
बाय बाय।